तो ये जो बाइक है ना दोस्तों, इधर से भी आप लुक देख सकते हैं, एकदम विंड वाइजर आप देख सकते हैं वाइट में दिया गया है, एकदम महंगा बाइक का लुक आपको सस्ते में मिल जाता है, वो भी इलेक्ट्रिक। ये जो है ना दोस्तों फ्यूचर बाइक है। और ब्रेक जो है ना दोस्तों, दोनों ब्रेक आपको दोनों यहाँ पे आपको मिल जाता है, राइट और लेफ्ट में, और यहाँ पे ना आपको दायां ब्रेक मिलता है ना बायां ब्रेक आपको मिलता है। और यहाँ पे देखिए, जहाँ पे साइलेंसर रहता है तो साइलेंसर है नहीं यहाँ पे, क्योंकि धुआं ये निकालता नहीं है तो साइलेंसर आपको नहीं मिलता है। बाकी ये जो बाइक है एक नंबर लुक के साथ आती है। हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फ्रेश कमाल धमाल धासो एपिसोड में। और आज की स्पेशल वीडियो में दोस्तों, मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक बाइक बिरला ई बाइक के शोरूम में लेकर के आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिरला ई बाइक, और यहाँ पे दोस्तों आपको स्कूटी और खास करके बाइक भी आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेड बाइक यहाँ पे है, एक रेड कलर में, जिसका मैं स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ। और यहाँ पे आप देखिए, ये भी है दोस्तों एकदम मस्त स्पोर्टी बाइक। तो स्कूटी भी है बहुत सारी और बाइक भी है। तो आज की इस स्पेशल वीडियो में दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूँ बिरला ई बाइक V6, क्या प्राइस है, कितना किलोमीटर चलता है और क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिरला V6 देखने में ही जो ना दोस्तों, ये बाइक काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और अट्रैक्टिव लगती है। देखने में ही लगता है कि हाँ कोई स्पोर्टी बाइक है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मिल जाता है दो मिरर, जो एक अलग ही लुक देता है। रेड कलर में है, तो रेड कलर आप देख ही रहे हैं दोस्तों कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ब्लैक का कॉम्बिनेशन भी दिया हुआ है। पहले फ्रंट में आपको बिरला ई बाइक का यहाँ पे लोगो और बिरला ई बाइक लिखा हुआ मिल जाएगा। और यहाँ पे जो आपको DRL देख रहे हैं, DRL काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी और काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया गया है। यहाँ पे लगता है कि हाँ कोई स्पोर्टी बाइक है। बात करते हैं इसके टायर की, तो यहाँ पे 110/70/17 आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। ये जो बाइक है दोस्तों, दो डिस्क ब्रेक के साथ आती है, मतलब ब्रेकिंग जो है ना इसमें अच्छी आपको देखने को मिलेगी। और पीछे के चक्का में आते हैं तो पीछे के टायर में भी आपको इसमें एक डिस्क ब्रेक मिल जाता है पीछे की तरफ। और एलॉय व्हील भी दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है यहाँ पे, और टायर भी काफ़ी चौड़े और अच्छे बड़े हैं। लुक ऐसा है ना दोस्तों कि एक ही नज़र में ये जो बाइक है ना पसंद आ जाती है। और सबसे पहले मैं आपको इसका चाबी दिखाता हूँ। ये देखिए की देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कार का की है, एकदम मस्त। और इसमें आपको रिमोट भी मिल जाता है, लॉक अनलॉक और पार्किंग चाबी, इसमें इसे डाल के ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अभी तक 140 किलोमीटर चला है और रेंज इसका 120 तक जाता है, देख रहे हैं 120 तक इसका रेंज जाता है। अब चलिए इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसका लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से ये जो लाइट है ना स्टार्ट हो गई है, रात में इसका रोशनी थोड़ा सा अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और ये जो लुक है ना दोस्तों, एक मस्त लुक बनाता है। ये देखिए साइड इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं, और सारी लाइट जो है ना दोस्तों आपको LED में देखने को मिलेगा। ये भी देखिए पीछे में भी जो दिया हुआ है ना, काफ़ी अच्छा स्पोर्टी लुक बनाया गया। ये छोटा सा जो लोग एक्स्ट्रा लगाते हैं, ये पहले से ही आपको छोटा सा लगा हुआ स्पोर्टी मिल जाता है। और ये देखिए अब लेफ्ट का भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चारों इंडिकेटर आपका चलना शुरू हो जाएगा, ये देखिए ब्लिंक कर रहा है। कार वाले सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और ये जो स्विच है ना दोस्तों, अपर डिपर का स्विच है, जो लाइट जो है ना आप कम बेसी कर सकते हैं। जो इसका फ्यूल टैंक है, इसमें तो आप फ्यूल भर नहीं सकते हैं, लेकिन फ्यूल टैंक जो है ना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है, और बैठेंगे आप लगेगा कि हाँ आप कोई स्पोर्टी बाइक चला रहे हैं। और ये हमेशा खाली रहेगा क्योंकि ये तो चार्ज होगा और चलेगा। इसका सीट आप देख रहे हैं, एकदम जो महंगी स्पोर्ट बाइक होती है वैसा इसका सीट आपको देखने को मिल जाता है। और सीट का भी क्वालिटी जो है ना दोस्तों ठीक लग रहा है। फुटरेस्ट मिल जाता है राइडर के लिए भी और पैसेंजर के लिए भी। और यहाँ पे आपको बीच में एक सोकर मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और काफ़ी कंफर्टेबल आपको राइड देता है। और यहाँ पे फ्रंट में भी जो सोकर है, ये भी नॉर्मल बाइक से अच्छा इसका सोकर दिया हुआ है। यहाँ पे रेडिएटर दिया हुआ है जो बाइक को ठंडा रखता है, यहाँ से हवा पास होती है। अब मैं दोस्तों इसमें बैठ चुका हूँ, और बैठ के ये जो है ना एकदम स्पोर्टी बाइक है, एकदम इसका लुक भी स्पोर्टी है, और बैठने का जो पोस्चर है ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है। और इसमें चार मोड दिए गए हैं, स्पोर्ट, ड्राइव, पार्किंग, रेयर। जैसे जैसे आप चलाएंगे, यहाँ पे आप स्पोर्ट कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, पार्किंग और रियर। ये रियर, ये पार्किंग
ये ड्राइव, ये स्पोर्ट। जैसा जैसा आप चलाएंगे, स्पोर्ट में चलाएंगे तो आपका रेंज थोड़ा कम हो जाएगा, स्पीड हाई हो जाएगा। और ड्राइव मोड है, पार्किंग मोड है, और रियर मतलब पीछे आप जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, साइड असिस्टेंट है, जो जब आप लगाएंगे तो एकदम तुरंत ही ये खड़ा हो जाता है, और आप आसानी से उतर भी सकते हैं। मतलब कंफर्टेबल स्पोर्टी बाइक है ये। इसमें आता है दोस्तों 60 एम्पियर का बैटरी, यहाँ पे काफ़ी हैवी बैटरी आता है, लिथियम ईयन बैटरी 60 एम्पियर का जो। और इसका रेंज है 100 किलोमीटर, और हाई स्पीड आप 120 भी चला सकते हैं स्पोर्ट मोड पे, और रियर वगैरह तो आप कर ही सकते हैं। साउंडलेस है, आवाज़ तो करता नहीं है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है चार्जर, यहाँ पे देखिए चार्ज करने का सॉकेट, यहाँ पे आप लगाएंगे चार्जर लेके, यहाँ पे हाँ चार्जर लेके आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और बैटरी यहाँ पे, और चार्जर तो इसके साथ ही हमको मिल जाएगा। और कितना देर में ये चार्ज हो जाता है? 4-5 घंटे। हाँ, 4-5 घंटे में दोस्तों ये बाइक है ना फुल चार्ज हो जाएगा, और आप चला सकते हैं। तो चूंकि ये दोस्तों पेट्रोल बाइक नहीं है, इलेक्ट्रिक बाइक है, तो इसमें आपको फ्यूल लगेगा नहीं, तो खर्चा इसमें कम होगा। चार्ज जो है दोस्तों 4-5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाएगी, कंपनी क्लेम करती है। चार्ज होने में दोस्तों ये जो है ना 3-4 यूनिट आपका खर्च होगा, और 3-4 यूनिट की बात करें दोस्तों तो 30-35 रुपये आपके खर्च होंगे फुल चार्ज होने में, और आप 100 किलोमीटर आराम से चला सकते हैं। मतलब सस्ते में आप स्पोर्ट बाइक चला पाएंगे। और इसको देख के दोस्तों कोई नहीं कहेगा कि ये इलेक्ट्रिक है, इतना अच्छा स्पोर्टी से बनाया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइस की। प्राइस जो है ना दोस्तों, अगर आप पेट्रोल बाइक भी लेते हैं इस तरह की, तो वो भी आपको 2 लाख 2.5 लाख इस तरह से, जैसा जैसा आप लेंगे प्राइस वैसा वैसा बढ़ता जाएगा, जैसा जितना ज़्यादा सीसी और अच्छा बाइक आप लेते जाएंगे। कावासाकी निंजा की तरह इसे बनाया गया है, तो 17-18 लाख की बाइक का दोस्तों आपको यहाँ पे लुक मिल जाता है, इलेक्ट्रिक में आ जाती है। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें दोस्तों, तो 2,10,700 ऑन रोड प्राइस है, और ये जो है ना दोस्तों फाइनेंस भी हो जाती है, मतलब मात्र 25,000 दे के आप इसे फाइनेंस भी करा सकते हैं। यहाँ पे इस बाइक में मोटर लगा हुआ है, ये देखिए दोस्तों, ये जो है ना बैठ चुके हैं बाइक, और अब देखिए, अब ये आपको आगे पीछे करके दिखाएंगे। ये देखिए साउंड एकदम बिल्कुल नहीं आता है, और अजी बस कीजिए चालू करके, चालू किया, हाँ चालू है, हाँ। आवाज़ें नहीं आता, पता नहीं चलता है। ये देखिए दोस्तों चालू है बाइक, और ये देखिए ये बैक हो रही है, ये देखिए, और अब देखिए अब ड्राइव मोड में, ये देखिए अब ड्राइव मोड में, अब ये आगे आएगी, ये देखिए। और अभी दोस्तों बाइक शोरूम में है, और इसका क्वालिटी भी जो है ना दोस्तों काफ़ी अच्छा है, अच्छा क्वालिटी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये स्पेशल वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बिरला ई बाइक आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।